फिर थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। इसमें प्याज ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक स्टर फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्याज हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर जिसको धनिया पाउडर भी कहते हैं, फिर इसको हम इसको फ्राई कर लेंगे। देन इसमें कुछ बीन्स ऐड करेंगे हम, थोड़े से टमाटर, थोड़े से आलू मैंने चॉप करके काटे थे वो ऐड कर लेंगे, और थोड़ी सी मटर। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑल इन वन सब्ज़ी पाउडर लिया है, जो कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। इससे क्या होता है कि हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैंने ये दलिया लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये दलिया ऐड कर दूंगी मैं। फिर इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज़ हमारी जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी एब्जॉर्ब करती है। फिर उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने टेस्ट के लिए ये पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम कुकर के लिड को बंद कर कर इसको 5 मिनट्स। सो गाइस, फाइनली हमारी वेट लॉस रेसिपी बिल्कुल तैयार है बनके, वेजिटेबल दलिया, जो कि बहुत टेस्टी एंड बहुत हेल्दी है। और बाहर की मसाला ओट से तो काफ़ी हेल्दी है, बिकॉज़ इसमें बाहर के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं। सो हम इसको घर पे ही ट्राई करेंगे बनाने का। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।